हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम जब क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू ज्योग्राफी का भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसको हम जब देख रहे हैं, उसको शॉर्ट रिवीजन कर दें तो उस पर बनने वाला क्वेश्चन एमसीक्यू को देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका क्या आंसर हो रहा है सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आशा करूँगा कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। ये सारे सही नहीं भी होते हैं तो आप उसे देखेंगे, उसका आंसर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर गलती होगी और आपसे भी गलती कहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, गलती होती तो ठीक, नहीं होगी तो अति उत्तम। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या रखा है, इसमें देखिए कह रहा है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने दक्षिण को प्रभावित हुई। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, दक्षिण नहीं होगा बाबू, उत्तर को प्रभावित हुई। पहला हमारा रॉन्ग हो गया। पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो पहला तो होगा नहीं, काट दीजिए। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट टक्कर के पर हिमालय पर्वत विकास हुआ। हाँ सही है, ये हुआ। केवल आंसर नंबर टू ही राइट होगा, चेक कर लेते हैं क्या सही है। केवल टू आंसर करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं होगा तो गलत दिखा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, नहीं बेटा सतलुज नहीं है, सिंधु है, सिंधु से है और ब्रह्मपुत्र तक है, तो ये तो होगा नहीं, इसको गलत काट दें। चलिए ठीक है, एक हो गया रॉन्ग हमारा, मन पहला रॉन्ग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। हाँ, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पश्चिम पूर्व में आते थे कम हो जाता है, अर्थात ये तो सही है। चलिए ठीक है, पहला गलत, पहला कहाँ कहाँ गलत है ये काट दीजिए, ये काट दीजिए और ये काट दीजिए। पूछा क्या, सॉरी ये गलत, थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत हो गया। पूछा क्या है कि कौन कौन सा असत्य है, ना असत्य है, मैंने पहला वाला तो सही होगा, दूसरा पहला जहाँ नहीं वो काट दीजिए, पहला इसमें भी नहीं है काट दीजिए, मैंने ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, हमने कुछ असत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा। पश्चिम से पूर्व की घटती जाती है, मतलब ये दूसरा सत्य, दूसरा तो होगा ही नहीं, दूसरा यहाँ भी नहीं होगा, दूसरा यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। आंसर हमारा तीसरा ही सही होना चाहिए, देख लेते, चेक कर लेते हैं बिना पढ़े, तीसरा ही, मैंने वन ऑन थ्री इज द नॉन करेक्ट। हाँ देखिए, राइट है ना, यस। अब कह रहा है कि महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये सही है, ये हमारा सही है। हिमालय किस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी, ये भी सही है। किस श्रृंखला में गर्मी कुछ महीने में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये गलत है, इसका नाम ही दिया गया हिमाद्री, ये साल भर बर्फ से ढकी रहती है, इस वजह से हमारा हो ही नहीं गया। तीसरा वन एंड टू इज ओनली करेक्ट, वन एंड टू इज ओनली करेक्ट, ये आंसर होना चाहिए वन, चेक करते हैं और इज द राइट आंसर। कौन सी विशेषताएं हैं जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है, अच्छा चलिए ठीक है भाई, वो भी चेक करते हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है, चलिए सही है। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित पर्वत से, ये भी सही है। दून इस पर्वत की विशेषता, नहीं दून इसका नहीं, दून हमारा है शिवालिक का, तो वन एंड टू इज ओनली करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखते हैं चेक कर लेते हैं क्या आंसर है क्या गलत है, अगर गलत होगा तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। ठीक है, वन एंड टू इज करेक्ट आंसर, वन एंड टू इज करेक्ट आंसर, ओके। देखिए व्याख्या भी इसका दे रखा है नीचे, चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है, जैसे मैंने पढ़ा था उसमें विशेष ध्यान दिया था, बोलिए ध्यान से, उसमें मैंने कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा, धवलाधर हो गया, पीर पंजाल, महाभारत, ये सारी की सारी होंगी, जास्कर उसमें नहीं था, वन इन टू में वन टू इन थ्री इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर विल बी बी, देख ले चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलत ना हो, चलिए राइट। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी, ये किस कहाँ स्थित होते हैं, महान में नहीं भैया, शिवालिक में ना भैया, ट्रांस ना भैया, मध्य हिमालय इज द राइट आंसर, चेक कर लेते हैं क्या जाता है भाई। ठीक है, चेक द राइट आंसर। अगला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में बताइए, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहते हैं, राइट, ये पर्वत असंपीड़ित अवसादों से बने हैं, ये राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा, कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों होना चाहिए, देखते हैं चेक द राइट आंसर। निम्न हिमालचल, निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटी क्या कहते हैं, हाँ मतलब इसको समझिए, निम्न हिमालय को और शिवालिक के बीच लंबवत दून कहा जाता है, क्या कहते हैं, दून, जैसे दोहरी देहरादून, पोटली दून, ये सब नाम थे, चेक करते हैं इधर राइट आंसर। भारत के उत्तरी मैदान की नदी प्रणत, तीन नदी बताए मैंने, बिग, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इंडस गंगा, ब्रह्मपुत्र देखो ब्रह्मपुत्र इंडस मन सिंधु गंगा, ये करेक्ट आंसर, इधर राइट आंसर सी, चेक करते हैं आगे बढ़ते। नदी मैदान में संदर्भ दोआब का क्या अर्थ है, व्हाट विल यू मीन बाय दोआब, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग, इज द करेक्ट आंसर नंबर वन, राइट आगे बढ़ते हैं। पंजाब का कौन कौन सा है, पंजाब में पांच नदियां हैं,
झेलब, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु उसमें नहीं है, सिंधु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नहीं है, मतलब इसका होगा आंसर बी, इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, देखिए मेरा आंसर गलत हो गया, ठीक है। इसमें छो के छो, देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, चेक करते हैं व्याख्या क्या है इसका। देखिए पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र, उत्तरी मैदान, पंजाब मैदान, सिंधु उत्तरी मैदान, पश्चिम पंजाब कहते हैं। उत्तरी मैदान उत्तरी में के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, देखिए जरा क्या लिख रखा है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी को तो बनाया गया, इसमें बहुत बड़ा पाकिस्तान स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, अब सिंधु है, सिंधु तो होगा ही होगा, ये देख लीजिए, और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं, गलत एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, आगे बढ़ें। गंगा के मैदान का विस्तार घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। गंगा के मैदान घग्घर और तीस्ता के बीच, गलत है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी बिजली विभाजक है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी, ये राइट होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम स्थित है। गंगा के मैदान के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र, गलत है। कौन सा पूछ रहा है, कौन सा कदम सत्य है, ओनली टू दे रखा भैया, यही नहीं रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर हो रहा है। जल विभाजक है ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम स्थित है, तीसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा। गंगा के मैदान के विस्तार घग्गर और तीस्ता, इसका आंसर होना चाहिए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, जस्ट चेक द आंसर, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, यस राइट। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या देखिए, पर विस्तार ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका दे रखा है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी बहाने के नदी वहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल युगराशन सभी सरिताएँ इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, इसके इसका है। मैंने आपको जोर देकर बताया था कि जब आतिश में नदियाँ गायब हो जाती है उसका नाम है भाभर, क्या नाम है, भाभर होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन क्या है सत्य है, इसमें चेक करते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना, उत्तरी भाग का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। अच्छा, उत्तरी मैदान की बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। बाकी बचा 1, 2 and 3 तो करेक्ट होगा, मतलब केवल और केवल 1, 2 तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, केवल 2, 3 और 1, 2, 3। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, तो नहीं मुझे लग रहा है कि खादर होगा, इसका चेक कर लेते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, यस राइट डी, तीनों सही है। उत्तरी मैदान सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, वे नदियों के बाढ़ मैदान को प्रसिद्ध है तथा वेदिका जी सकृति प्रसिद्ध करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार नक्शे पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाला अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृति जैसे बालू रोधी का विशर्प, गोखुर झील, गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया जो आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटी प्रायद्वीपीय पठार से किससे संबंधित है, प्रायद्वीपीय पठार, इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। चलिए यहाँ की पहाड़ियाँ क्या हैं, गोलाकार हैं, यह भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार संकरी हैं, गहरी घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ गोलाकार हैं, तीनों में आंसर सही लग रहा, लेकिन तीन आंसर देने पूछ रखे असत्य हैं। यह भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है, ये तो सत्य है, तो ये तो होगा नहीं, तीसरा होगा, तीसरा कहाँ कहाँ भैया काट दीजिए, अब होगा ये सकरी तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं, मतलब केवल आंसर इसका होना चाहिए 1, देखते हैं 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, असत्य, क्या पूछा है असत्य, केवल एक ही असत्य है, सकरी तथा गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कठोर चट्टान होती है, इतना नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मेघालय के पठार का स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व का क्रम, इसको आप याद रख लें, गारो,
खासी, खासी को कहते हैं, और जयंतिया, गारो खासी जयंती इज द राइट आंसर ए। आगे बढ़ें, सही सुमेलित नहीं है, क्या बोल रहे हैं, सही सुमेलित नहीं है, इसे आप मैचिंग करें। थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, दीफू अरुणाचल प्रदेश। देखिए दीफू अरुणाचल प्रदेश तो है सही, सही वो है, ये वाला तो सही है, पूछ रहे सही नहीं है, तो चौथा तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि सही है, चौथा जहाँ जहाँ कर दीजिए, चौथा है, चौथा है, चौथा है, और आंसर क्यों क्या बना, टू एंड थ्री, यही हमारा आंसर होना चाहिए, इसका मतलब टू एंड थ्री गलत, पालघाट गोवा में नहीं है, घोरघाट केरल में नहीं है, कम खत्म, उल्टा दे रखा, पालघाट महाराष्ट्र में पड़ता है, घोरघाट कहाँ पड़ता है, घोरघाट कहाँ पड़ता है, हमारा पड़ता है भी महाराष्ट्र में पड़ता है, आंसर हो गया, देखते हैं टू एंड थ्री इज बी करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लें, समझ में आ जाएगा, थालघाट पश्चिमी घाट में है जो कि महाराष्ट्र में, थालघाट महाराष्ट्र में, पालघाट कहाँ है, ये हमारा पालघाट हमारा केरला में है ना, पालघाट केरला में पड़ता है, पालघाट केरल में, ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी और नाम कर रहे हैं, भोरघाट कहाँ, महाराष्ट्र में, भोरघाट कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है, और दीफू मैं जरूर, मतलब इसका मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए इसका, इस प्रकार से देखिए, थालघाट महाराष्ट्र क्या दे रखे हैं, सही है, इसको देखिए, ये नंबर वन राइट, ये हो गया नंबर टू, जो पालघाट है वो केरल है, पालघाट क्या है, केरल है, भोरघाट गोवा नहीं है, भोरघाट को हम लिख सकते हैं, भोरघाट कहाँ लिख सकते हैं भैया, भोरघाट कहाँ है पता, महाराष्ट्र में, और दीफू अरुणाचल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसका नाम है बाबू अनाईमुडी, क्या नाम है, अनाईमुडी, ये ना अनाईमुडी। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी, सात क्वेश्चन बाकी रह गए, समझाने में टाइम लैप्स हो जाते हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से परीक्षाएं दी जाएंगी, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।